শিবের সঙ্গে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী, শিবের সঙ্গে কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী। কলকাতা মে হোনে ওয়ালি দুর্গা পূজা ইস সাল হর ভারতীয় কে লিয়ে কুছ জিয়াদা হি খাস হ্যায়। वजह है इस दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जाना। बीते साल दिसंबर में पेरिस में आयोजित हुई यूनेस्को की बैठक में इस बात की घोषणा की गई थी। अब तक दुनिया के 6 देशों के उत्सवों को ही यूनेस्को से अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मान्यता मिल पाई है। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को जब विरासत का दर्जा दिया, तब कहा गया कि सांस्कृतिक विरासत केवल निशानियों और वस्तुओं का संकलन नहीं है, इसमें परंपराएं और हमारे पूर्वजों की भावनाएं भी शामिल हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को मिलती हैं। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल होने के बाद पहली बार आयोजित हो रही दुर्गा पूजा को लेकर हर कोई उत्साहित है। पूरे बंगाल में इस आयोजन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने कोलकाता में एक आयोजन भी किया, जिसमें दुर्गा पूजा आयोजन से संबंधित 30 कारीगरों को सम्मानित किया गया। इनमें दुर्गा पूजा पंडाल, ढाकी कलाकार, मूर्तिकार शामिल रहे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजित करने की शुरुआत को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन साल 1757 के पलासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ। कोलकाता के उत्तरी इलाके के कुम्हार टोली में साल भर कलाकार काम करते हैं। हुगली नदी के किनारे कुम्हार टोली की बसावट 17वीं शताब्दी के पहले की है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उनके आवासीय क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद कुछ कुम्हार अपनी जीविका के निर्वाह के लिए यहाँ आए थे। धीरे धीरे अन्य कुम्हारों की तरह मिट्टी के बर्तन बनाते हुए यहाँ बसने वाले लोग मूर्ति निर्माण करने लगे और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी कुम्हार पूजा के लिए माँ की प्रतिमा बनाते आ रहे हैं। दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां बनाने की प्रक्रिया एक अच्छी तरह से अभ्यास किए गए ऑर्केस्ट्रा के कलाकार की तरह होती है, जिसमें कुम्हार प्रमुख कलाकार होते हैं। इसमें सामग्री संग्रहण, ढलाई, चित्रकारी और सजावट के विभिन्न चरण होते हैं। देवी को मूर्ति में ढालने का पहला चरण सामग्री का संग्रहण होता है। दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए जिन मुख्य घटकों का उपयोग किया जाता है, उनमें बांस, पुआल, भूसी और पुण्य माटी शामिल है। पुण्य माटी पवित्र गंगा नदी, जिसे पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानते हैं, उसके किनारे की मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और निषिद्धो पल्ली यानी कि निषिद्ध प्रदेश की मिट्टी का मिश्रण होती है। दुर्गा पूजा के अनुभव को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी भावना है जिसे लोग जीते हैं। इस उत्सव का लोग साल भर से इंतजार करते हैं।